देखो भाई, ये काउंसलिंग का समय चल रहा है, आप सभी को बहुत ज्यादा अपडेटेड रहने की जरूरत है, क्योंकि काउंसलिंग में आप थोड़ी भी चूक किए तो आपका एडमिशन मिस हो सकता है। बीएचयू का ऑलमोस्ट जितने भी रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट था ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। कल 11 बजे बीएचयू पीजी का अनऑफिशियल कट ऑफ आपको मिल जाएगा, और आने वाले दिनों में उसका ऑफिशियल कट ऑफ लिस्ट भी आने वाला है, जिससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसका पीजी फॉर्म जो है वो अलग से फिलअप हो रहा है, वो सीयूटी में नहीं है, लेकिन जो यूजी था वो सीयूटी यूजी के थ्रू था। तो फाइनली ये वीडियो सीयूटी यूजी के बच्चों के लिए है जो इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके यहाँ फाइनली उन सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। आप लोग का पोर्टल जो है वो स्टार्ट होने वाला है, यानी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। आप लोग का जो है वो रिजल्ट कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीयू जो है वो एडवांस रजिस्ट्रेशन करा रहा है, इलाहाबाद भी शुरू करने जा रहा है, बीएचयू जो है वो मैं एक वीडियो दिया हूँ, प्लीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, क्योंकि 2-3 दिन पहले बनाया था ऑफिस में पता करके, उसमें मैं बहुत अच्छे से मेंशन किया हूँ कि बीएचयू अपना कब यूजी पोर्टल स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि वो भी स्टार्ट करने जा रहा है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। अब इलाहाबाद वाले क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। यूजी जो है वो इसी सप्ताह से स्टार्ट हो रहा है, ये जो न्यूज है ये है 7th of June का, आज 8 है, यानी जस्ट कल का ही अपडेट है, कल देर रात में अपडेट आया। तो इसी सप्ताह और आगे आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है 2-3 दिन में पंजीकरण शुरू हो जाएगा। विश्वविद्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है, सीयूटी के आवेदन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प ना भरने वाले विद्यार्थी भी पंजीकरण करा सकेंगे। ये बीएचयू में सुविधा नहीं था, पीजी के बच्चों के लिए सुविधा नहीं था, और भी कई सारे विश्वविद्यालय थे जहां पे ये सुविधा नहीं था कि आप सीयूटी के फॉर्म में अगर आप विश्वविद्यालय नहीं चूज किए हो तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या कह रहे हैं कि आप सीयूटी के आवेदन यानी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म में इलाहाबाद नहीं भी चूज किए हो तो भी आप इनके यहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। और इनके यहाँ जो इस बार काउंसलिंग कमेटी है यानी काउंसलिंग कंडक्टिंग बॉडी है वो कौन है, सामर्थी है। जैसे कि आपका जो एग्जाम कराने की कंडक्टिंग बॉडी कौन है, वो एक बहुत ही नालायक एजेंसी है एनटीए, उसी तरीके से सामर्थ जो है अभी इसका इमेज बरकरार है, उम्मीद है कि इसके आगे और पीछे नालायक न लगाना पड़े। तो सामर्थ पोर्टल पे आपकी काउंसलिंग होगी, इलाहाबाद खुद की वेबसाइट पे नहीं कराएगा, सामर्थ के थ्रू कराएगा। आप लोग सामर्थ बहुत दिनों से सुन रहे हो ना, मैं एक दिन बताऊंगा कि एक्चुअली ये सामर्थ किस तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से पूरे यूनिवर्सिटीज जो है वो सामर्थ को ही क्यों दे दे रहे हैं टेंडर की हाँ आप मेरी काउंसलिंग करवा दो, एक दिन मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो सामर्थ पोर्टल पे ही प्रवेश काउंसलिंग कराने की तैयारी में है, सीयूटी की ओर से स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सीयूटी का रिजल्ट 30 जून को प्रस्तावित है, ठीक है। 30 जून तक वो अपने फाइनली कट ऑफ को भी रिलीज करने की प्लानिंग में है, यानी इसी 20 दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन करा के रिजल्ट भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम बोल रहा है कि बीए बीएससी बीकॉम फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस बीए एलएलबी में प्रवेश होगा, वही इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के अंतर्गत संचालित होने वाले एक दर्जन स्नातक के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में भी सीयूटी के जरिए प्रवेश होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और कॉलेजेस करीब 17,000 सीटों पर प्रवेश होने जा रहा है, ये यूजी का है, 17,000 सीटों पे, सोचो अपने आप में बहुत, इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस भी है ना और मेन कैंपस भी है, सीटें बहुत है। इलाहाबाद में समझ लो सीटें इतनी है कि लगभग हर एक बच्चों की जो विश है वो लगभग पूरी हो जाती है, उधर डीयू 70-80 हजार सीट लेकर बैठा हुआ है, तो बच्चों के पास सीटों की कमी नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस अपडेटेड रहना है, वीडियोस देखना है मेरा, मैं आपको खुद ही बताऊंगा कि पूरा काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो कैसे हैंडल हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करोगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करोगे, और कोई प्रॉब्लम होता है मेरा इंस्टा आईडी या निर्दर्शन, आप वहां पे फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। ज्यादा लगेगा कि इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आपके प्रॉब्लम पे डिस्कस होना चाहिए, तो मैं एक नंबर दूंगा, उस पर कॉल करके आप मेरे से बात भी कर पाओगे, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं हैं। जाते जाते आपके घर में अगर कोई सीयूईटी पीजी का एग्जाम नहीं दिया या उनका पीजी का एग्जाम बेकार चला गया हो तो वो इलाहाबाद पीजी का फॉर्म अभी भरा रहा है, 12 तारीख तक डेट रखी गई है, 12 जून अभी आने वाले 12 जून तक डेट है, और यहाँ पे जाके वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है और एग्जाम फिर से दे सकता है, क्योंकि अभी इनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो प्लीज ये अपडेट भी अपने घर में, अपने आजू बाजू, अपने दोस्त यार मित्र में आप फैला दो, ठीक है। तो मुस्कुराते रहे, बहुत सी शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हर हर महादेव।